तो आओ चलते हैं फिर पतंगबाजी का सामान लेने। कागज की बढ़िया पतंग मिल जाएगी। तो बनती नहीं है अपने पास पतंगे? तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका भाई प्रियांशु पाल आ गया हूँ फिर से एक व्लॉग लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली सॉरी कि ये व्लॉग इतना लेट आ रहा है, क्योंकि फैमिली में कुछ फंक्शंस थे जिसके कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। और गाइस, जैसे कि अब बताता हूँ ये व्लॉग किस चीज के ऊपर है। तो गाइस, ये व्लॉग जैसे कि सबको पता है कि 15 अगस्त कल है, बट शायद मेरा व्लॉग 15 अगस्त को है क्योंकि कल 15 अगस्त है और रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो अब हम बरेली में रहते हैं, तो भाई बरेली के तो बरेली वालों को पता है कि बरेली पतंग मांझी के लिए फेमस है। तो आओ चलते हैं फिर पतंगबाजी का सामान लेने, और जो भी मतलब जितने भी मार्केट है जहाँ पतंगे बनती हैं, मैं आज वहाँ दिखाऊंगा जहाँ पतंगे बनती हैं, और चीपेस्ट मार्केट जितना सस्ते सस्ता मिलेगा चीज़ मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे संग, चलते हैं फिर दिखाऊंगा आपको जहाँ पतंगे बनती हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। आज मेरे संग जा रहा है मेरा भाई अभिषेक पाल। तो गाइज ये लेके जाएगा आज पतंग वतंग हमें जहाँ भी दिखानी होगी, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पतंग वतंग के बारे में। तो जहाँ भी होगी ये लेके जाएगा, और जहाँ जैसी पतंगे मिलती है चीपेस्ट से चीपेस्ट पतंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बस वेट किस चीज़ का, निकलते हैं फटाक से और मिलते हैं। ओके भाई, हम लोग आ चुके हैं पतंग के मार्केट में। और ये कौन सा एरिया भैया? सराय खाब। और भाई ये सराय खाब है, देखो पूरी पतंगी है, पूरी पीछे लाइन से लगी हुई है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी पतंगे हैं। आओ कौन सा मांझा भी है? पांडा। अच्छा वाह भाई, ये तो बहुत खरगोरा है। कितने रुपए रील है? 110 रुपए रील। क्या नाम है भैया दुकान का आपकी? दिलशाद काइट ट्रेंड। कौन सी? दिलशाद काइट ट्रेंड। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा कार्ड दिखा दो आप। तो भैया ये है इनका कार्ड, जिसको भी पतंगे लेनी हो आ सकता है। और ये नंबर है भैया का, वो सामने भैया बैठे हैं, आराम से कोई भी आ सकता है, कॉल कर सकता है। सारी तरीके की भैया, सब तरीके की पतंगे मिलती हैं? कौन कौन सी पतंगे होंगी? कागज की बढ़िया पतंग मिल जाएगी, लकड़ी पौड़ी मजबूरी। अच्छा सभी साइज से मिलेगी। बहुत बढ़िया, तो भैया आ सकते हैं यहाँ पे। जितनी थैंक यू ये भैया देने को। तो हाँ ये मैं ही रख लेता हूँ। तो भैया जिसको भी पतंग लेनी हो आ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर ऊपर तक देखिए पतंगे लगी हुई हैं, वो देखिए पूरी पन्नी की हो गई, कागज़ की हो गई, छोटी पन्नी की हो गई, सारी साइज़ की चरखियाँ हो गई, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो आ सकते हैं, ये किला है, किला के ठीक सामने यहाँ पे मिलेगी दुकान। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक दूसरे मोहल्ले में, मतलब वहाँ से अलग जहाँ पे पतंगे बनती हैं। ये है वो मोहल्ला, यहाँ पे भाई पतंगे बनती हैं, जैसे कि अभी पतंगे मंगवाई भी हैं और अभी दिखाऊंगा मैं पतंगे बनती कहाँ पे हैं। ठीक है ओके। तो भाई ये यहाँ पे सारी पतंगे बन रही हैं इनकी, और यहाँ से हम लोग पतंगे ले रहे हैं और यहाँ पतंगे बन रही हैं। तो भैया ये है दुकान और ये हमने ली है पतंगे, देख ले भाई कैसी है पतंगे। सब बढ़िया भाई। बढ़िया, कितने रुपए के पीस है भाई ये? 5 रुपए। 5 रुपए का पीस। तो अभी 5 रुपए आजादी है फिलहाल के लिए, अभी हम ले रहे हैं ये वाली पतंग। तो भैया अब हम लोग आ चुके हैं एक और शॉप पर देखने पतंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी ली थी, थोड़ी सी और लेते हैं। और अभी हमने ये है शॉप पूरी, अभी अंदर से माल मंगवाया, तो देखते हैं निकलते हैं। तो फिर जैसी भी पतंगे होंगी सारी दिखाते हैं, पतंगे चरखी सद्दी जो भी होगी भाई सब दिखाएंगे हमारी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भैया ये है पतंगे पन्नी की और ये सारी कागज़ों की पतंगे हैं। तो भैया ये एड्रेस क्या है आपकी शॉप का? शॉप का पड़ता है भाई मोहल्ला रेती चांद मस्जिद बरेली। अच्छा कोई नंबर वंबर दिखा दो, कोई कार्ड वगैरह हो तो। 7500 5784 5784 07 07। दूसरा नंबर है भाई ये है इनका कार्ड, किसी को भी आना हो ठीक मस्जिद के सामने रेती मोहल्ला, कोई भी आ सकता है भाई, ले सकता है सारे तरीके की। तो कितने की है भैया पतंगे? 10 रुपए की है। 10 रुपए की है। अच्छा तो बनती नहीं है अपने पास पतंगे? जी जी, ऊपर खाना ऊपर चलेगी। अच्छा ऊपर बनती है पूरी पतंगे, तो बनती बन रही होंगी अभी? चलो बढ़िया, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं पतंगे बनती कहाँ है
और मैं नंबर डाल दूंगा, जिसको भी लेना हो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी को होलसेल पे लेनी है होलसेल पे भी ले सकते हो, बाहर भिजवानी है कहीं भी तो आप ले सकते हो भाई से। चलो फिर अब लोग हम लोग देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पतंगे जहाँ बनती है देखने, तो आ जाओ अपन टैक्सी चलते हैं पतंगे देखने, आ जाओ। तो भाई ये है यहाँ सारी पतंगे बनती है। और भाई यहाँ से कहाँ कहाँ माल ट्रांसफर होता है आपका? जयपुर, मुंबई, आगरा। अच्छा, तो यहाँ से ऑल ओवर। किसी को अगर होलसेल में भी लेनी है तो भी ले सकता है। तो बाकी भाई आप अपने नंबर बता दो एक बार कैमरे में। 6398-4300। अच्छा, तो क्या स्टार्टिंग क्या पतंगों की रेंज की? पतंग 380 रुपये से स्टार्ट है, मंजूरी 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये। 380 का सैकड़ा मतलब। तो भाई देख लो 380 का सैकड़ा मतलब, अगर आप यहाँ से ले जाओ तो बाहर भी बेच सकते हो आप। जिसको बेचना है वो बेचने का देखे भाई। यहाँ देखो दवा के काम चल रहा है नॉन स्टॉप। तो एक दिन में कितनी पतंगे बना लेते हो भैया? एक दिन में 1000 तो रेगुलर सामान ले जाना होता है बाहर रोज। तो देखो भाई कितना काम चल रहा है। तो किसी को भी आना हो तो रेती मोहल्ला मस्जिद के ठीक सामने वाली शॉप है, प्रियांशु भाई का एक बार नाम ले लेना तो और अच्छे से डिस्काउंट मिल जाएगा। मस्त जोक मारा रे। मिलेगा नहीं मिलेगा भाई डिस्काउंट? तो भाई आना, चलते हैं, मेरा ब्लॉग ने लिए थोड़े पतंग लेने, फिर चलते हैं सीधे घर। आ जाओ। तो हाँ जी गाइस हम लोग घर आ चुके हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये देखो यहाँ पतंगे सजाई जा रही है थंबनेल के लिए। अभी हमने वहां सजाई थी और हवा से पतंगे सारी उड़ गई। तो भाई अब जल्दी जल्दी थंबनेल की बनाते हैं फिर मिलते हैं। तो भैया अब मैं घर आ चुका हूँ, तो अब इन दोनों को लेके जाना है वॉक पे, रहना है एलेक्सा को। अब हम लोग खोलते हैं, देखना है क्या करें। तो भे क्या इंतजार है बेटे, देखे हम क्यों? तो भाई चलते हैं इनको बाहर लेके। और लास्ट टाइम तो ऐना से बात हुई नहीं थी, लेकिन इस बार पक्की वाली बात ऐना से बात करा के रहूँगा। तो आओ चलते हैं। तो ऐना क्यों एक बात बताओ, इधर आओ। तुम्हारे से बात ही नहीं करनी, जाओ है ना। एक बात बताओ रुको सुनो, ये यार लोग भैया एक तो इन्हें तो आज बस मेरे को ये बता दे कि तुझे घमंड किस बात का? इधर देख कैमरे में, कैमरे में देखो, इधर देखो, देखो किस बात का घमंड किस बात का, मुझे इतना बता दो भाई। ये मतलब बंदी तो नहीं, क्या बोल रहा हूँ बंदी, ये जानवर ही अलग है। और एक 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 इनको चैन नहीं है भाई। अब क्या है, बाहर लेके नहीं जाऊंगा याद। अरे चला जाओ बाहर, आ जाओ, जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ बाहर। ये तो भैया आज मैं बहुत खतरे का काम करने वाला हूँ, इन दोनों को बाहर घुमाने लेके जाने वाला हूँ, वो भी बिना लीश के। देखते हैं क्या होता है, इसका ही डर है, इसके लिए तो कुछ नहीं कहती है। चलो है ना, आराम से आराम से चलो भाई। ये मिल गए इनके दोस्त। अभी मजा आएगा ना? नहीं नहीं दूर दूर ना ना, ये दोस्ती यारी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है क्या होता है इन दोस्ती यारी में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो भैया ये देखो, ये इनकी सबसे गंदी हरकत। छी छी छी। गाइस अब आ चुके हैं और यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई यूट्यूब पे देखते देखते इस चैनल पे आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।